तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता दी आपको। महम से जाबर खड़ी पिकअप में गाड़ी ने मारी टक्कर, यह हादसा हुआ है। हादसे में दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, 24 घायल बताए जा रहे हैं। महम से बड़ी खबर, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, ये बड़ी जानकारी आ रही है। महम से राजस्थान के बगड़धाम जा रहे थे श्रद्धालु, जिस दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ। शवों को पोस्टमार्टम के लिए PGI भेज दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खड़ी पिकअप में गाड़ी ने टक्कर मार दी तो हादसे में दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। दर्दनाक हादसा ये हुआ है, खड़ी पिकअप में टक्कर मारी है, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान के बगड़धाम जा रहे थे श्रद्धालु, जिस दौरान यह हादसा हुआ। शवों को पोस्टमार्टम के लिए PGI भेजा गया है। तो खड़ी पिकअप में गाड़ी ने टक्कर मार दी, इस वक्त की बड़ी खबर। हादसे में दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ये दर्दनाक हादसा हुआ है, राजस्थान के बगड़धाम जा रहे थे श्रद्धालु, जिस दौरान हादसा हुआ है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए PGI भेज दिया गया है। तो खड़ी पिकअप में गाड़ी ने ये जोरदार टक्कर मार दी। बता दें, हादसे में दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, 24 घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह हादसा काफी दर्दनाक था और काफी तेज गति से गाड़ी आ रही थी, जिसने खड़ी पिकअप में जोरदार टक्कर मार दी और उसमें सवार जो लोग थे, जो श्रद्धालु थे, वो उन्हें घायल हुए हैं। राजकुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजकुमार, कब और कैसे हुआ यह हादसा और घायलों की हालत कैसी बताई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि रात की घटना है। सुबह करीब 2 बजे यूपी के गाजियाबाद से एक कई परिवारों के लोग राजस्थान के बगड़ गांव में किसी मंदिर में मत्था टेकने के लिए जा रहे थे, और जैसे ही उनकी जो पिकअप गाड़ी है वो महम के पास पहुंची तो सामने से आ रही है कि आइसर कैंटर था, उस कैंटर से आमने सामने की टक्कर हो गई, और टक्कर इतनी भीषण थी कि दो लोगों की मौत मौके पर ही मौत हो गई, और जबकि करीब 25 लोग घायल हुए हैं इस हादसे में, और सभी घायलों को उपचार के लिए रोहतक PGI में भर्ती करवाया गया है, और करीब आधा दर्जन लोगों की हालत जो है नाजुक बनी हुई है, और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि पूरा मामला रात का था और वारदात के बाद ही तुरंत जो है मौके पर पहुंची पुलिस, और महम थाना प्रभारी रमेश कुमार पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटे हुए हैं। राजकुमार, ये श्रद्धालु जो बताए जा रहे हैं, कहाँ से आए थे, क्या ये एक ही परिवार से संबंध रख रहे थे, कहाँ ये लोग जा रहे थे? जी बिल्कुल, ये एक ही परिवार के ज्यादातर लोग थे, जो साथ लगते परिवार होते हैं और कुछ रिश्तेदार भी थे इसमें। तो ये श्रद्धालु राजस्थान के बगड़ गांव में जा रहे थे, और गाजियाबाद जो उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है वहां से ये राजस्थान जा रहे थे। तो ये हादसा, मैं जब महम के पास पहुंचे तो ये हादसा होगा, और ये बड़ा हादसा है और काफी दर्दनाक हादसा हुआ है। ये लापरवाही किसकी बताई जा रही है? अभी लापरवाही किसकी है, रात का समय था, अभी जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि लापरवाही किसकी थी, क्योंकि हादसा इतना भयानक था कि तुरंत अस्पताल में पहुंचाना पुलिस के लिए जरूरी था। पुलिस ने रोहतक PGI में उपचार के लिए भेज दिया है, दाखिल करवा दिया है मरीजों को, और जो शव हैं उनके पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस में है, उनकी डेड बॉडी रखवा दी गई है, और पूरी जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा कि नींद वजह रही या कोई और दूसरी क्या वजह रही है हादसे की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो खड़ी पिकअप में गाड़ी ने टक्कर मार दी, महम से इस वक्त की बड़ी खबर। हादसे में दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 24 घायल बताए जा रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। राजस्थान के बगड़धाम जा रहे थे श्रद्धालु और एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए PGI भेज दिया गया है। तो खड़ी पिकअप में गाड़ी ने टक्कर मारी, महम से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है।